क्या बिटकॉइन एक लाख डॉलर का आंकड़ा छू सकता है और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़े विजेता कौन होंगे बिटकॉइन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और एक लाख डॉलर के करीब हैं यह मौजूदा रैली न केवल क्रिप्टो बाज़ार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है बल्कि कई निवेशकों और माइनिंग कंपनियों के लिए मुनाफे का बड़ा अवसर भी बन रही है आइए समझते हैं कि इस रैली के पीछे क्या वजहें हैं और कौन सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं बिटकॉइन की मौजूदा रैली 2024 में बिटकॉइन ने एक मजबूत प्रदर्शन किया है इसके पीछे प्रमुख कारणों में ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मंजूरी की उम्मीद संस्थागत निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है मुख्य कारण एक ईटीएफ लॉन्च की उम्मीदें बिटकॉइन आधारित ईटीएफ की संभावनाओं ने बाजार में उत्साह बढ़ाया है इससे निवेशकों के लिए बिटकॉइन खरीदना और अधिक आसान हो जाएगा दो डिजिटल गोल्ड की पहचान मुद्रास्फीति के समय में बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के रूप में अपनाया जा रहा है यह निवेशकों के लिए सोने का आधुनिक विकल्प बन रहा है तीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और पारंपरिक मुद्राओं की गिरावट ने बिटकॉइन को एक सुरक्षित निवेश विकल्प बना दिया है रैली के सबसे बड़े विजेता एक क्रिप्टो माइनर्स माइनिंग कंपनियों ने इस रैली से भारी मुनाफा कमाया है बिटकॉइन माइनिंग का राजस्व कई महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर है दो संस्थागत निवेशक ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे संस्थानों ने बिटकॉइन में बड़ी मात्रा में निवेश किया है ईटीएफ लॉन्च से यह भागीदारी और बढ़ने की संभावना है तीन होल्डर्स लंबे समय तक रखने वाले जिन्होंने कीमत गिरने पर बिटकॉइन खरीदा था वे अब बड़ा लाभ कमा रहे हैं यह रैली उनके धैर्य का इनाम है चार क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के कारण एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स ने भी शानदार राजस्व अर्जित किया है भविष्य की संभावनाएं बिटकॉइन का अगला लक्ष्य एक लाख डॉलर का स्तर पार करना है हालांकि निवेशकों को वोलेटिलिटी मूल्य में उतार चढ़ाव का ध्यान रखना होगा निष्कर्ष बिटकॉइन की मौजूदा रैली ने क्रिप्टो बाजार में नई जान फूकी है इसके सबसे बड़े लाभार्थी माइनर्स संस्थागत निवेशक और होल्डर्स रहे हैं